हम चाहते हैं कि आज शाम का इवेंट अधिराज जी होस्ट करे। आप जितनी जल्द हो सके सनाया से बात कर लीजिए। सनाया हमारी इमेज कंसल्टेंट, अब उनके अप्रूवल के बिना हम एक भी शब्द नहीं बोल सकते। दीदी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? कहानी बढ़ने से पहले ही एक वैम्प की एंट्री हो गई है ना। वैम्प? हाँ यार, एक लड़की है सनाया। आज से हमारा एक ही मिशन है, श्रेया की मैरिज लाइफ को हैप्पी और सेक्सी बनाना। श्रेया का माया इतनी प्यारी लग रही है। हमारी माया की तुम्हें हार्ड वर्किंग है, घर और काम दोनों कितना बखूबी संभाल रही है, तभी तो उसको ये अवार्ड मिला है। हार्ड वर्किंग? वो कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, वो तो उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स, बस उसी का इस्तेमाल किया और उसी की वजह से ये सब जो हो रहा है ना, ये अवार्ड्स उसको मिल रहा है उसी की वजह से। हाँ, वरना हम सब लोग जानते हैं कि उसने किस किस के साथ क्या क्या किया है। छी 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 मिसेस मल्होत्रा, कैसी बातें कर रही हैं। अरे भाई, उसने आपको अपना समझ के इस फंक्शन में इनवाइट किया, अपनी खुशी में शरीक किया और आप कुछ भी बोले जा रही हैं। ओह हेलो माय लाला लूलू लेडीज। हेलो माय, हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। सेल्फी ले। श्योर, कम क्वींस सब साथ में। चीज। एक्सक्यूज मी, आई विल जस्ट, या श्योर, एंजॉय, थैंक यू सो मच। मम्मा, अरे अरे मनी, अरे जीती रॉबर्ट, अक्कू आज तो बिल्कुल करीना से बेटर लग रही हो तुम। अच्छा सुनो, टोटा बाबा जी। वाओ मम्मा, यू आर लुकिंग ऑसम। अच्छा अच्छा सुनो, पापा का फोन आया था? नहीं मम्मा, अभी तक तो नहीं आया। माया बेटा जी, मेरी अविनाश से बात हो गई, बस वो निकल चुका है, 20 मिनट में आ जाए। ओके गुड। अच्छा आप लोग बैठे ना, बैठो नील, चलो अपनी जगह, आ जा बेटा, आ जा, अम्मी जी स्टेज पे मिलते हैं। A very good evening to all the lovely ladies and gentlemen. Women's Achievers Awards 2016 में आप सबका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी हम राठौर ट्रस्ट की ओर से उन महिलाओं को सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर ना सिर्फ नारी जाति को गौरवान्वित किया है बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। श्रेया, तेरा पति तो जॉर्ज क्लूनी से कुछ कम हॉट नहीं है यार। नारी, इस धरती पर ईश्वर का सबसे नायाब तोहफा। कल तक जो महिलाएं अपना घर संभाल रही थी, आज वही महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑफिस बिजनेस सब संभाल रही है। और वो दिन दूर नहीं जब ये समाज पुरुष प्रधान होने की बजाय नारी प्रधान होगा। हाल ही में हुए रियो ओलंपिक गेम्स में 125 करोड़ की देश की आबादी की अगर किसी ने लाज रखी है तो वो सिर्फ नारी शक्ति ने रखी है। अगर सिंधु, दीपा और साक्षी जैसी नारी नहीं होती तो इस देश की जय जयकार कैसे होती? ये अभी हमें ही ले लीजिए, आज हम जो भी हैं तो अपनी माता जी योर हाइनेस मधुरी मां राठौर जी की वजह से। विमेन्स अचीवर्स अवार्ड योर हाइनेस मधुरी मां जी की सोच का नतीजा है। हाय रब्बा, अधिराज जी तो एकदम हमसा सा थे कि सलमान खान है। अब बिना किसी विलंब के साथ आइए इस शाम का आगाज करते हैं एक डांस परफॉर्मेंस के साथ, जिन्हें पेश करेंगी हमारी एक अवार्डी मिसेस माया बियानी जी, और जिनका साथ देंगी परी से भी हसीन खूबसूरत
छोटी छोटी बच्चियां, आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिसेस माया बियानी जी का। बियानी जी एक ब्यूटीशियन तो है ही, लेकिन आज हमने इनके इस नए टैलेंट को भी देखा। हेलो अविनाश। हाँ पापा जी, बस रास्ते के अंदर ही हूँ, 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पापा जी यहाँ पे बहुत गंदा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अरे क्या 20 मिनट कर रहे हो? माया कब से तुम्हारा इंतजार कर रही, और फंक्शन भी शुरू हो गया। पापा बस रास्ते के अंदर ही पहुंच रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, ट्रैफिक चल गया। ओके बाय। माया बेटा। जी पापा। मेरी अविनाश से बात हो गई, वो ट्रैफिक में फंस गया इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा, आ जाएगा वो। जी पापा, थैंक यू। अब मैं योर हाइनेस मधुरिमा राठौर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द बोले। धन्यवाद अधिराज। अगर हर माँ को आपके जैसा सपूत होगा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का हर एक पुरुष नारी को दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती के जैसा सम्मान करेगा, पूजेगा। आज हम अलग अलग 6 कैटेगरीज में नारी शक्ति का सम्मान करेंगे। इस साल हमने एक कैटेगरी बढ़ा दी है और वो है रोल मॉडल ऑफ द ईयर। और ये अवार्ड आज हम जिन्हें देने जा रहे हैं उसने अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी बखूबी संभाला है, जो नारी जगत के लिए प्रेरणा स्रोत है। पुरस्कार वितरण समारोह शुरू करने से पहले हम बस इतना कहना चाहेंगे, जैसे हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, वैसे ही हर सफल महिला के पीछे उसके समूचे परिवार का हाथ होता है। चाहे वो हाथ पति का हो, पिता का हो, सास ससुर का हो, या फिर बच्चों का। आज हम इस मंच पर जिस भी नारी का सम्मान करेंगे उनके परिवार के सभी जन से गुजारिश करेंगे कि वो भी मंच पर आए और अपने घर की नारी के सम्मान में भागीदार बने। थैंक यू। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर।
और ये अवार्ड उस महिला के लिए है जिसके जज्बे और जुनून ने किचन की सीमा पार करके खेल के मैदान में अपनी जगह बनाई। ये अवार्ड कैटेगरी है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की और ये अवार्ड जाता है मिस निधि राय जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर वुमेन एंटरटेनर ऑफ द ईयर एंड द अवार्ड गोज टू मिस ज़ारा खान। टेंशन मत लो माया, अविनाश आ जाएगा। माया वैसे तो वो आ जाएगा बट मैं क्या सोच रहा था जस्ट इन केस अगर वो नहीं आया तो हम उसको कॉल करके एक बार बोल देते हैं कि वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दे, यू नो जस्ट फॉर सेफ्टी। हाँ क्योंकि अगर लेट हो गया तो वी विल हैव अ बैकअप एटलीस्ट। हां ओके हम चलते हैं फोन करके। नेक्स्ट कैटेगरी है बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर की एंड दिस अवार्ड गोज टू तनीषा त्यागी। हेलो कहाँ है यार तू? माया कब से परेशान हो रही है? तुझे पता है सब अवार्डीज के फैमिली मेंबर्स आए हुए, बस एक तू ही मिसिंग है। तुझे भी आज ही लेट होना था क्या? देव मैं क्या करूँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, 15 मिनट और लगेंगे बट जितना जल्दी होता मैं पहुंचता हूँ। मैं अभी तक रिंग रोड पे ही हूँ यार। अच्छा सुन मेरी बात सुन, तू एक काम कर फटाफट से ना एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज, हम लोग एटलीस्ट सेफ तो हो जाएंगे। यू नो तेरे 15 मिनट का भाई कोई भरोसा नहीं है, अब हम लोग और रिस्क नहीं ले सकते। वीडियो हेलो हाँ देव मेरे फोन की बैटरी लो है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। हेलो हेलो क्या हुआ? बंद हो गया यार। बंद? फिर से ट्राई कर। हाँ वही कर तू। The number you are trying to call is currently switched off. क्या हुआ? यार इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ हो गया, अब क्या करेंगे? पता नहीं यार, माया को बताना तो पड़ेगा लेकिन चल देखते। माया वो अविनाश का फोन तो बात करते करते बंद हो गया, शायद बैटरी लो थी। वो रिंग रोड के आसपास ही है तो 10-15 मिनट में आ जाएगा। हाँ सो जस्ट होल्ड ऑन। ओके थैंक्स। चल बैठते बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी की तरफ विमेन रोल मॉडल ऑफ द ईयर। ये धमाल है, कमाल है और अपने आप में एक मिसाल है। एंड दिस अवार्ड गोज टू सॉरी टू इंटरप्ट आदि। इससे पहले एक बेहद जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। जी चल पागल अच्छा है थोड़ा और टाइम मिल गया, आ जाएंगे अविनाश डोंट वरी। हाँ यू आर राइट। हमारी अगली कैटेगरी की ओर बढ़ने से पहले हम आप सबको एक ऐसी महिला से मिलाना चाहेंगे जिन्हें जितना अवार्ड दिया जाए वो कम है। हाल ही में इन्होंने औरतों और बच्चों के शोषण को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी। इन्होंने ना सिर्फ उन बच्चों और औरतों को बचाया बल्कि उनके पुनर्वास क्रिया के लिए दिन रात लड़ती रही। इनके इसी हिम्मत और साहस को हम सबका सलाम। मिसेज आकांक्षा बेनर्जी झा। हमें गर्व है कि आप आज हमारे बीच हैं और हम चाहेंगे कि आप इस मंच पर आए ताकि यहां बैठे हर एक शख्स आपके इस साहसी और बहादुर रूप को देख सके। राठौर ट्रस्ट ने आकांक्षा जी को इस मिशन में मदद करने के लिए 25 लाख का डोनेशन देने का फैसला किया। राठौर ट्रस्ट औरतों और बच्चों के पुनर्वास क्रिया के लिए हर संभव तरीके से आकांक्षा जी और उनके एनजीओ रेड स्पॉट के साथ है। थैंक यू।
आकांक्षा आइए दो शब्द कहिए। एक्चुअली आई एम स्पीचलेस। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सरप्राइज। लेकिन ये मेरे हस्बैंड चैतन्य जाके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच चिनू फॉर एनकरेजिंग मी एंड लेटिंग मी डू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। और वह मेरा बेटा अनिकेत, मेरी दुनिया, मेरी एनर्जी, मैं जो भी हूँ इन दोनों की वजह से हूँ। इन लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। विद योर परमिशन मैं ये चाहूंगी कि आज मेरी खुशी के मौके पे ये दोनों भी स्टेज पे आए। जरूर प्लीज। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, वुमेन रोल मॉडल ऑफ द ईयर। और ये अवार्ड जाता है टू द वेरी गॉर्जियस, इंटेलिजेंट, वाइवेशियस, वन एंड ओनली मिसेस माया बियानी जी को। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। God bless you. Maya, please अपने बारे में दो शब्द कहें। Come on, Mama, you are the best. एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ। नहीं, मैं प्रिपेयर होकर आई थी, पर आई डोंट नो इतना प्यार मिलेगा सोचा नहीं था, सो इट्स लिटिल अनएक्सपेक्टेड। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हर हाइनेस मिसेस मधुरिमा राठौड़ को। आप सब ये सोच रहे होंगे ना कि जिसे रोल मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला उसकी रोल मॉडल कौन है? हर हाइनेस मिसेस मधुरिमा राठौर। जी हाँ, थैंक यू सो मच मैम, रियली यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन। सो मैं इंटरनेट पर गई और रोल मॉडल सर्च किया। सोचा अपनी स्पीच में ये कहूंगी, वो कहूंगी, बहुत कुछ कहूंगी, लेकिन इस मंच पर खड़े रहकर इस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पर बैठी हर औरत अपने आप में एक रोल मॉडल है। और क्यों ना हो, हम अपनी डेली लाइफ्स में इतने किरदार जो निभाते हैं, जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के वक्त हम शेफ बन जाते हैं और हर महीने की पहली तारीख पर अकाउंटेंट, राइट? और उसका क्या, जब दिवाली के टाइम हम इंटीरियर डेकोरेटर्स बन जाते हैं और बेडरूम में बच्चा खासते ही MBBS डॉक्टर्स। इन हजारों किरदारों में भी हम सब एक हैं, एक औरत। और पता है क्या, इन किरदारों को निभाने के लिए हमें कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई प्रमोशन मिलता और कोई क्रेडिट भी नहीं देता, मगर हम उदास नहीं होती। इनफैक्ट छत से अपनी कमर कसती है, अपनी पीठ थपथपाती है और अपने आप से कहती है कि बढ़े चलो। यू नो, असल में हम कुछ करके दिखाना चाहती हैं, इस दुनिया में अपना एक मार्क बनाना चाहती हैं,
अपने स्किल्स होन करना चाहती है, अपना टैलेंट पॉलिश करना चाहती है। दाल में नमक से लेकर दुनियादारी की समझ रखने वाली हर औरत रोल मॉडल है। हर औरत माया बियानी है। मम्मा पापा, आई वॉन्ट टू थैंक यू द मोस्ट बिकॉज आप ही हैं जिन्होंने हर मोड पे, हर टाइम मुझे सपोर्ट किया। आई रियली लव यू। और मेरे बच्चे मेरी जिंदगी के जमीन आसमान, मेरे नील और धारा। बच्चों, मम्मा लव्स यू। हाँ, लव यू मम्मा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी फौज, मेरी पलटन, मेरी क्वींस। जी हाँ, इन लोगों ने हमेशा मुश्किल के समय प्रॉब्लम का ढक्कन उड़ाकर मुझे खुशी की बोतल गटकाई और मुझे जोर से कहा कि हम हैं